सीधा रोड है, जंगल शांत, सुनसान सड़क। अपना एग्जांपल ले लें, सुंदरखाल गांव। जी हाँ, आपको मैंने वीडियो में भी दिखाया है, तो थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में भी आज उसको समझ लेते हैं। तो बहुत संभल कर इधर उधर देखकर चलना है। क्यों? क्योंकि कि इंसान की और जानवरों की दोनों की हेल्प हो सके। हाथी से बचाव कैसे करें? लोगों का कहना है कि जंगल और जंगल के रास्ते दिन में बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जंगल जितना दिन में खूबसूरत है उतना ही रात में भी। तो दोस्तों, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो जब भी समय मिलता है तो मैं निकल पड़ता हूँ अपने कैमरे के साथ वीडियो बनाने जंगल के रास्तों पर, जंगल की खूबसूरती के बीच। और जब भी कोई वाइल्ड लाइफ रास्ते में मिलती है तो उसे मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे वाइल्ड नाइट ड्राइव चैनल में, और आप देख रहे हैं अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल में नाइट ड्राइव। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें सस्पेंस और थ्रिल दोनों होगा, तो बने रहें वीडियो के साथ। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुनसान जंगल, शांति तो आपको प्रतीत हो ही रही होगी इन झींगरों की आवाज़ से। सीधा रोड है, जंगल शांत, सुनसान सड़क। तो जंगल जो है, यह है साल के पेड़ों से घिरा जंगल। जी हाँ, और बाकी जो रोड है वो अच्छी है, तो इस बीच कोई भी वाइल्ड लाइफ अगर आती है सामने तो गाड़ी रोककर घुमाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या सीधी भी चला सकते हैं। लेकिन जंगल के कुछ कायदे हैं, कुछ नियम हैं, उसको सोच समझकर उन्हें दिमाग में रखकर एक्टिविटी करनी होती है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, दूर दूर तक काला अंधेरा, सिर्फ बाइक की रोशनी है, और बीच बीच में आपको हम दिन की वीडियोस दिखाते रहते हैं, जिससे काफ़ी सारी हमें वाइल्ड लाइफ मिलती है, वो आप देख पाते हैं हमारे ज़रिए, मतलब वाइल्ड नाइट ड्राइव के ज़रिए आप ये सब देख पा रहे हैं। और आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आपको दिखाना है। तो अभी तो आप रात में जो देख रहे हैं ये है प्योर जंगल, और दिन में हम जब भी आपको वीडियोस दिखाते हैं शुरुआत होती है हमारी सुंदरखाल गांव से। जी हाँ, वो तो आपने देखा ही है हमारी वीडियोस में, साथ ही उसके आसपास जो जंगल है वो कोई छोटा मोटा जंगल नहीं है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्योर जंगल है।
जैसा कि आप ये अभी जंगल देख पा रहे हैं, इस जंगल में काफ़ी बार आपको हमने हिरन दौड़ते हुए ही दिखाए हैं और हर बार जंप करते हुए हिरन ही मिले हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई वाइल्ड लाइफ आपके आगे से निकले, लेकिन आगे से निकले और हमारा फ़र्ज है गाड़ी को रोकना, गाड़ी को रोक लें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि अब चाहे कोई सी वाइल्ड लाइफ हो, अब हिरन को ही ले लिए यहाँ पर, कितने बार हमने आपको जंप करते हुए हिरन दिखाए हैं रोड से, तो वो एक हिरन तो होता नहीं है, ज़्यादातर ये ग्रुप में रहते हैं, साथ में रहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि एकता में शक्ति। तो जैसे कि इंसानों में कहा गया कि साथ में रहेंगे तो एकता में शक्ति रहती है, वैसे ही जानवर भी इस रूल को फॉलो करते हैं, बस सोच का फ़र्क होता है कि आप क्या और कैसे सोचते हैं। खैर, बात करते हैं जंगल की। अभी जंगल में जो मौसम है वो है ठंडा, हवाएं ठंडी हैं, और देख सकते हैं आप, अगर चांद दिख रहा होगा ज़रा सी रोशनी, चांद अच्छा खासा रोशनी दे रहा है। जंगल शांत है और घने हरे पेड़ों से घिरा हुआ ये रोड, तो बहुत संभल कर इधर उधर देखकर चलना है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया आ गया है ये है एलिफेंट का। जी हाँ, यहाँ पर हाथी चरने आते हैं और हाथियों का कॉरिडोर भी है। लेकिन ये तो जंगल है इसलिए यहाँ पर कॉरिडोर है। अब बात करते हैं आबादी के क्षेत्र में। जी हाँ, अब जैसा कि सबको पता है कि समय के साथ साथ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा, तो देखिए जंगली जानवरों का सामना तो इंसानों को करना पड़ेगा और इंसानों का सामना जानवरों को भी करना पड़ रहा है और पड़ता रहेगा, क्योंकि जंगल के आसपास अगर बस्ती बसाई जाएंगी तो ये सब होगा ही होगा। तो ऐसे ही कुछ गांव हैं, अपना एग्जांपल ले लें, सुंदरखाल गांव। जी हाँ, आपको मैंने वीडियो में भी दिखाया है, तो थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में भी आज उसको समझ लेते हैं। तो बात करते हैं सीधे हाथी की, क्योंकि अभी हम जंगल में हैं और एलिफेंट कॉरिडोर आने वाला है, तो उसके हिसाब से मैं सिर्फ हाथी की बात करना चाहूँगा कि हाथी से बचाव कैसे करें। मतलब अगर आपकी कोई बस्ती या गांव है जंगल किनारे, जी हाँ, तो उसके लिए एक सबसे बेहतर उपाय है, काफ़ी जगह इसको अप्लाई भी करा गया है। जी हाँ, उसका नाम है हाथी खाई। पिछली कुछ वीडियो मैंने बताया था लेकिन थोड़ा डिटेल में नहीं बताया था, मैं अभी बताना चाहता हूँ। जी हाँ, हाथी खाई हाथी के बस्तियों में होने वाले उत्पात को रोकने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। ये जो है एक प्रकार से प्रयोग ही है, जो एक प्रैक्टिकल है अपना, उस पर अप्लाई करा गया है और काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहा है। इसके लिए बस्ती के आसपास जो होते हैं 2 मीटर गहरे और 3 मीटर चौड़ी जो खाई होती है ना, मतलब खाइयाँ, उनको खोदा जाता है रोड के किनारे, या कह लें जहाँ बस्ती है उसके किनारे किनारे बॉर्डर पे उसको खोदा जाता है। इस वीडियो में दिखाएंगे भी। जो भी आपको हम दिखाएंगे भी और कॉरिडोर भी साथ ही साथ दिखाएंगे। कॉरिडोर तो बस आने ही वाला है, और जो खाई होती है इनके ऊपर जो होता है पत्थर की पट्टियाँ, ये लकड़ी का पुल बनाया जाता है, और लेफ्ट हैंड में आ चुका है एलिफेंट कॉरिडोर। तो इनके ऊपर जो होता है ना पत्थर की पट्टियाँ या लकड़ी का पुल बनाया जाता है, वो क्यों? क्योंकि इनसे जो जनता है या गांव वाले होंगे वो आसानी से उसको पार कर लें। सिर्फ इंसानों के लिए, मतलब छोटा पतला सा, हाथी के साइज़ का नहीं कि हाथी भी पार करके आ जाए, ऐसा नहीं, इंसानों के लायक उस पर इस तरीके से बनाया जाता है, कुछ छोटा सा पुल टाइप का। लेकिन इसको जो है जनता जो है या गाँव वाले आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन हाथी
इस खाई को पार नहीं कर पाते, क्योंकि ये खाइयाँ रेतीली जगहों पर नहीं बनाई जाती हैं। जी हाँ, रेतीली जगह होगी तो वहाँ ये लाभकारी नहीं होने वाली। और इसके अलावा इनसे जो खोदी हुई मिट्टी होती है वो कहीं दूर फेंक दी जाती है। उसका रीज़न यह है कि ताकि हाथी इसे वापस खाई में डालकर पार ना कर पाए। जी हाँ, और जहाँ खाई नहीं बनाई जा सकती है वहाँ करंट वाली फेंसिंग लगाई जाती है। फेंसिंग वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि बात हुई है हाथी खाई की। जी हाँ, तो वो आपको हम दिखाएंगे, बस बने रहे वीडियो के साथ। जल्द ही तो आई होप ये जानकारी अभी तक आपको समझ आई होगी, बहुत सिंपल सी टैक्ट है। तो जो भी गांव वाले हैं अगर जंगल के पास रहते हैं, जी हाँ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जानकारी, और उनको अगर पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने इस चीज़ को अप्लाई कर दिया है। तो बाकी हम जितना हो सकता है उतना पूरी कोशिश करते हैं कि इंसान की और जानवरों की दोनों की हेल्प हो सके। मेरा मोटिव यही है कि जान दोनों की कीमती है, जानवर की भी और इंसान की भी। तो इंसान अपनी हद में रहेगा तो जानवर भी अपनी हद में रहेगा। इंसान ने जहाँ हद पार करी, मतलब अपना घर छोड़ के जंगल में गया, तो वो दिक्कत भरी बात होगी। तो बहुत ही शांतिपूर्वक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी, चाहे कहीं भी हो हम। जी हाँ, चाहे जंगल के पास रहते हो या बड़े शहरों में या किसी गांव में, तो आपका इंतज़ार बस ख़त्म ही होने वाला है, और आपको हम दिखाने ही वाले हैं वो चीज़, मतलब हाथी खाई। तो बने रहे। अब देखिए ये लाइट आपको दिख रही होगी, ये लाइट वहाँ से है जहाँ हाईवे है। और बाकी बात करते हैं कि जो हम हाथी खाई दिखाएंगे वो कहाँ मौजूद है। जी हाँ, बस कुछ पल की दूरी, और जानकारी भी है बहुत ज़रूरी है। तो पेश है खिदमत है आपके सामने एग्जांपल। जी हाँ, इसे बोलते हैं हाथी खाई। ये देखिए भाई, इसमें एक कमी है। क्या कमी है मैं आपको बताता हूँ, कि जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि मिट्टी जो है दूर फेंक दी जाती है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी मौजूद है। देखिए दूर दूर तक 2 मीटर गहरे गड्ढे और 3 मीटर की चौड़ाई है लगभग, और ये यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर है एलिफेंट कॉरिडोर। तो आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ क्यों है ये भी दिखाना है। चलिए, ये लेफ्ट हैंड से हाथी आते हैं, सॉरी राइट हैंड से हाथी आते हैं पानी पीने के लिए, और पानी क्रॉस करके आगे जंगल की ओर भी चले जाते हैं। तो आगे ही जस्ट ये कार खड़ी है जहाँ लाइट दिख रही है, इससे आगे एक चौकी है। लेकिन कार खड़ी क्यों है, ख़राब हो गई क्या हो गया? चलते रहना, देखते हैं ना, ड्राइवर तो अंदर है, हो सकता है किसी काम के लिए रोकी हो, कोई बात नहीं। तो जस्ट आगे ही आ गई है चौकी, इसे बॉरपुल गेट बोलते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआ में याद रखें। सो टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।